अबे यार नाश मार दिया सारे धनों का यार। पानी के वास्ते भी मुझे देखना पड़ेगा सारा हिसाब किताब। तो कमर टूटी पड़ी मेरी। भाई धानो धुनो का तो ऐसे ही है, गन्नी देख लू इस बार, इन्हीं को मट्टी चढ़ा लू। धान में तो हो लिया मेरा सत्यानाश भाई, बर्बाद हो गया मैं तो। ओ भाई उदय सिंह आजा, पानी पूनी पी ले यार, काम तो होता ही रहेगा। आ गया भाई, पानी पियोगे इस बार? फसलों में तो कुछ रखा ही नहीं, बर्बाद कर दिया इन फसलों ने यार। भाई यार भगवान लेवे, हमारे केलो का तो है नहीं, सारे सिमाने में खराब हो रखे इस बार, कोई नहीं बचा किसी के खेत में, नहीं है मुश्किल से होगा कोई जिसके खेत में बचा होगा कोई धान। भाई 80 बीघे धान लगाए थे, सारों पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, क्या करें बता, क्या होगा इस बार। मैं खुद दुखी हूँ, सोसाइटी से ले रखा मैंने खातर बीज, अब उनका तो देना पड़ेगा। तुलाराम पे गया था, उसकी भी ऐसे हुई पड़ी, रो रहा था, हमने तो ट्रैक्टर चलवा दिया। ओहो 60-65 बीघे खेती थी उसकी। हाँ धान लगा रखे थे ना 60-65 में, सारी पे ट्रैक्टर चलवाया मेरे भाई। ओहो उनने तो बेचारे ना बीज खाद ने मेरी तरह, हमने भी सारा सोसाइटी उससे उठाया, 8 रुपये पे चले रखा। अरे मैंने तो लोन ले रखा था, धान बिकेंगे भर दूंगा, इस बार तो कुछ है ही नहीं भाई, इस बार तो होनी है बर्बाद, बिक लिए इस बार। ये मालिक क्या कर रहा है हमारे साथ, ऐसा ना करे बर्बाद ही हो जाएंगे हम तो पूरी। दान तो सारे नाश हो लिए भाई, कुछ नहीं बचा, तो परवाले ने गलती करा हमारे साथ। पान सिंह भाई, हाँ यार उसे देखे हो तुलाराम, उसकी तो ज्यादा ही हालत खराब है। अरे यार वाकई यार उसे मिल ले, उसके तो ट्रैक्टर चल गया यार। चल भाई क्या करें, भगवान ने अब कर ही रखा, तो चलो उसे समझाना भी जरूरी है यार। राम राम भाई, ओगो राम राम, राम राम भाई तुलाराम, राम राम। और भाई ठीक ठाक भी हो? बैठ जाओ भाई। हाँ भाई तुलाराम। तो देख भाई दूर तक खेत मेरा ही था, इसमें ट्रैक्टर फिरवा दिया, पता चला था भाई जब ही आए मिलने यार, हाल बुरे हैं, क्या करें क्या करें, दिल छोटा नहीं करना चाहिए मेरे भाई, क्या करें। पर यार मेरे पे तो लोन है यार लोगों का, लगा दे दूंगा भाई। अरे अरे बुला रोए नहीं करते कोई नहीं, वो सब हो जाएगा, सबका देखेगा ऊपर वाला। 60-70 में घुमा दिया पूरे में, देखना ट्रैक्टर घुमा दिया, गुस्सा आ गया यार, जब कुछ इतना मेहनत करने के बाद फल ना मिले ना, गलत करा ऊपर वाले ने इसके साथ। बता रहा था लौंडा है था मेरा, बता रहा था कि पापा ऐसा ऐसा हो गया ताऊ जी के साथ, क्या कर रहा है भाई। अरे ये तो सबके साथ है, क्या करे तुला भाई। ऊपर से ऐसे पान सिंह भाई को खांसी भी हो रही, इसे दवाई भी दिलवाई, सोच रहा था इस बार नाज होगा, बेच के वो थोड़ा सा अपने खांसी खुंसी का भी करूंगा, फिर त्योहार आने लग रहे बच्चों के वास्ते सामान लाना, पर माई तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है भाई। ओ भाई यार उनका ऑडियो तो आड़तियों का भी देना, यही सोच सोच के तो मैं भी दिन रात परेशान हो रहा, मुझे तो रात तो नींद नहीं आती, भवरे भी सफेद होगी, क्या करें बुढ़ापे में यही हाल है। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में भगवान ने हमारे साथ गलत करा यार। और भाई एक बात बताऊं, हाँ जी, एक इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता ना तो जीव दास सा जी दुख है, जी दुख है, क्यों जी दुख है भाई, आत्मा भी दुख है अंदर से। हाँ इससे बढ़िया तो खाली पड़ी ठीक रहे, सही कह रहे, इतनी मेहनत करी फिर कुछ नहीं फल मिला, बताओ। चलो जिसने पैदा कर रखी जान वो अपना देगा, बाकी दिल नहीं छोटा करे करते और घबराए नहीं करते, घबराए नहीं करते तुला भाई, सब करेगा ऊपर वाला। चले चल चले फिर, राम राम भाई, राम 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 राम। चल भाई पान सिंह चाय चुय पियेंगे अब। हाँ यार भाई भाई यार इस बार तो फसलों का नाश ही होगा यार। हाँ यार भाई सही कह रहा है तू, बल्कि किसानों की तरफ तो कोई देखता भी नहीं, और जबकि किसान ही है जो सबका पेट भरे। हाँ यार ये तो है, कौन सोचे बता, अगर जो किसान नाज उगाना बंद कर देना, चाहे किसी पे कितनी धन दौलत और पैसा हो, पर पेट नाश्ते भरे। यो बात तो तुमने बिल्कुल सही कही भाई, और हमें भी किसान की मदद करनी चाहिए। हम किक कर सके यार। देख भाई जैसे इस बार धान की फसल बिल्कुल खराब हो रखी,
तो हमें हमारे सारे किसान भाइयों को इकट्ठा करना चाहिए और जरूरी अधिकारी को बुलाकर फसल दिखानी चाहिए, साथ में हमें हमारे किसान भाइयों को जागरूक करना चाहिए। हाँ यार, ताऊ भर की फसल जी खराब हो रखी इस बार, चल उन्हें बता मैं जाके वो है। चल फिर चल। भाई पान सिंह इसकी दवाई ले ले, ये बीमारी आगे जा जाकर बहुत बड़ी बन जाएंगी। अरे यार कहाँ से ले ले, क्या कर लूं, इस पे थी इस बार उम्मीद फसल होगी ढंग की, अब मैं लगता कोई कुछ होगा। तेरी भी हालत खराब, इधर इसने तुलाराम ने देख अपना क्या हाल कर रखा है। भाई मैं क्या करूँ, तुम्हें किक कर संभालू दोनों को, क्या बता मैं यार, मेरे साथ तो बहुत गलत होगा। अरे तो गलत सबके साथ हो रखा भाई, क्या करें, अब जैसे ऊपर वाले की मर्जी थी हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते ऊपर वाले की मर्जी का आगे। भाई कोई नहीं है दुनिया में हमारी मदद करने वाला, देखेंगे ऊपर वाला करेगा जो भी करेगा, सब ठीक करा है वो। राम 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 बाबू राम राम। आ जाओ आओ, इतने आओ। तबीयत खराब चल रही भाई की, बैठो। घबरावे मत, हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे और सरकार से बहुत मुआवजा आवे, प्रधान बीडीसी इन सब के आगे बात रखेंगे और साथ में विधायक से भी अपनी बात रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ज्यादा तो नहीं तो थोड़ी मदद तो हो ही सके। हाँ बताओ, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने बेचारे ने उधार ले लेकर अपने खेतों में बीज डाल रखा, उनकी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत ही मदद। ऐसा भी होगा क्या बेटे? हाँ हो जाता हूँ, तुम बच्चों हमारा ये काम करवा दो, ये इसका देखो तुला का क्या हाल है बाबू, थरासान का दिल ही भूलने के। अरे चाचा तभी दिक्कत ना ले, कोई नहीं रो ना ताऊ, इसका तो रो रो के बुरा हाल है, रोटी भी नहीं खा रहा तो बेटे इसकी तरफ देख लो, तुम इसका करवा दो। अरे कोई नहीं, बस थारा बड़ा हाथ ना जोड़ा ताऊ, युवा युवा बतावे तुम आजकल के नौजवान लोंडे, जब जुट जावे ना सारे काम हो जावे। अरे हम पूरी मदद करेंगे, तो सब हो जा, बहुत दिक्कत है बच्चा, हमें रास्ते नहीं पता ना बेटे, तुम तो पढ़े लिखे हो सब जानो, करवा दो हमारा काम। करवाओ बेटे, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, सभी को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। ये वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ इतना सा था कि जैसा कि आप देख रहे हो, इस बार हमारी धान की जो फसल थी हमारे किसान भाइयों की पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुकी है, और ये वीडियो हमने इसलिए बनाया था ताकि हमारे किसान भाई लोग जागरूक हो सके और इकट्ठा होके अपनी फसल की मुआवजे की मांग कर सकें, और एकता में बड़ी ताकत है, बड़े जनप्रतिनिधियों से मिलके और बातचीत करके इसका समाधान हो सकता है, वैसे इस बात पे कोई ध्यान नहीं देगा, अगर आप एक होगे तो सब कुछ ठीक होगा। युवाओं की खास जिम्मेवारी बनती है, जितने भी युवा हैं हमारे किसान भाइयों को, कई लोगों को पता भी नहीं होता, जागरूकता की कमी होती है, सबको जागरूक होकर सबको खड़े करना है और किसान का जो भी हो सके मदद करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। एक किसान ही है जो पूरी दुनिया का पेट भर रहा और किसान के लिए कोई नहीं सोचता, अब हमें ये बदलाव लाना चाहिए और सबको मिलकर किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, बस दोस्तों यही कहना चाहूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, धन्यवाद। ओके।